इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप इस्तेमाल करते हैं एंड वहां पर अगर आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपको जो है ओटीपी रिसीव नहीं हो रही, ठीक है। ओटीपी रिसीव ना होने का जो प्रॉब्लम है, अगर आपको भी आ रहा है तो इस वीडियो में हम इसको फिक्स करने का तरीका बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, एयरटेल थैंक्स में जब हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको ओटीपी डलवानी होती है। बेसिकली प्रॉब्लम आती है ओटीपी ना आने की, तो वो क्या है, क्यों आ रही है वो समझते हैं। देखिए, आपने यहाँ पर जो नंबर डाला है उसको एक बार पहले चेक कर लीजिएगा, जो आपने नंबर ऊपर फिल किया है। सबसे पहला तो ये जो नंबर है आपने डाला हुआ अपने डिवाइस में ही होना चाहिए, ठीक है, जिस मोबाइल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस मोबाइल का नंबर होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि उसके ऊपर जो है नेटवर्क ठीक से आना चाहिए, ठीक है, मतलब नेटवर्क की अगर आपको इशू है तो आपको ओटीपी नहीं मिल पाएगा या फिर ओटीपी नहीं मिल पाता है। तो देन चेक कर लीजिएगा आपका क्या नेटवर्क है। अभी के लिए हमारे पास नेटवर्क की बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं दिखा रहा, नेटवर्क नहीं है इसलिए ओटीपी नहीं आ रहा। तो ठीक है, आप नेटवर्क को देख लीजिए, कभी कभार नेटवर्क में भी ग्लिच हो सकता है। इस केस में भी हमें दिक्कत आती है क्योंकि एक बार हमें जब ओटीपी मंगवाते हैं तो ओटीपी आता नहीं है, बट जैसे ही हमारा जो प्रॉब्लम है नेटवर्क का वो सॉल्व हो जाता है या फिर कंपनी की तरफ से जो एरर है वो निकल जाता है, हमें एक साथ कई सारे मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। मतलब एयरटेल थैंक्स का ये एप्लीकेशन का कोई इशू नहीं है, ये आपके जो भी सिम है आपका उसकी इशू हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ओटीपी आनी चाहिए, नेटवर्क अच्छा है, नंबर सही है, तो उस केस में जो है रिसेंट ओटीपी पर दबा सकते हैं, इसके बटन के ऊपर प्रेस कर दीजिएगा, आपको फिर से एक और कोशिश आप कर सकते हैं। एंड अगर अभी भी आपका काम ना करे उस केस में आप जो है यहाँ पर चेंज नंबर लिखा है इसके ऊपर प्रेस करके यहाँ पर कोई अदर नंबर फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी हम दूसरा नंबर फिल करके देखेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर दूसरा नंबर फिल करते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया है, तो अभी हमारे पास ओटीपी आ चुकी है। तो इस तरीके से मतलब आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे क्या करना है और किस तरह से करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।